शनिवारी सकाळी उपराजधानीत अजूनही एका व्यक्तीचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आलेला आहे. आता नागपुरातील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 10 झालेली आहे. शहरात संचारबंदी व जमावबंदी लागू असून नागरिकांमध्ये कोरोनाबाबत गंभीरतेने जाण आल्याचे दिसत आहे. अशातच शनिवारी सकाळी उपराजधानीत अजूनही एका व्यक्तीचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला. आता नागपुरातील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 10 झालेली आहे. कोरोनाची लागण झालेला हा रुग्ण 40 वर्षाचा पुरुष असल्याची माहिती समोर आली. या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव संतोष टोटवानी आहे. हा इसम खामला निवासी असून त्यांच्या कुटुंबियांनाही कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नमस्कार, मेरा नाम संतोष टोटवानी, मेरा रहना सिंधी कॉलोनी खामला नागपुर. मेरा टेस्ट 25 तारीख को, कोरोना टेस्ट 25 तारीख को हुआ था जो कि पॉजिटिव है. उसके बाद मेरे घर वालों को लाया गया 26 तारीख को, उनका टेस्ट हुआ. उनमें से मेरी गुड़िया निगेटिव आ गई, बाकी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरी मदर वो पॉजिटिव आ गए. मेरा खामला सिंधी कॉलोनी वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैनिक ना हो, ठीक है. उसके बाद मेरे दुकान के स्टाफ को भी लाया गया था जिनकी रिपोर्ट की गई और उनका निगेटिव आ गया सभी का, ठीक है. चार लोगों का निगेटिव आ गया जो कि मेरे साथ दुकान में ही रहते थे बहुत समय, ठीक है. तो मेरा खामला वासियों से कहना है कि कोई भी आप पैनिक ना हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे हुआ है तो आपको भी होगा. मुझे होने का कारण ये है कि मुझे होने का कारण ये है कि मेरी इम्यूनिटी जो पावर है वो कम है. उसका कारण ऐसा कि मुझे पिछले 13 सालों से शुगर है. जिस किसी का भी इम्यूनिटी पावर अच्छा है उसको वायरस नहीं पकड़ता है, या बहुत कम चांसेस रहते हैं उसको पकड़ने के. आप सुरक्षित रहिए मेरे खामलावासी, सुरक्षित रहिए और पैनिक नहीं होइए. आपकी तबीयत जब ख़राब होती है, आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि बुखार है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ऐसा कोई तबीयत आपकी ख़राब होती है तो ही आप चेक करवा दी जाइए. नहीं तो संतोष खामला का है और उसे हो गया है तो हमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. किसी चीज़ से भी हो सकता है. आप जो दूध की थैली लाते हैं उससे भी हो सकता है. आप जो सब्जी लाते हैं उससे भी हो सकता है. क्योंकि मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि बेटा जो थैली लाता है सब्जी की वो भी चौखट के बाहर रख दिया कर 12 घंटे के लिए. जो दूध की थैली लाता है उसको भी गर्म पानी से धो के बाद में वापस लेना है दूध को. तो ऐसा जरूरी नहीं है. सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी पावर की. आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो नहीं होता है. जैसे ये वर्कर जो चार थे उनको भी नहीं आया. तो खामलावासी प्लीज़ पैनिक ना हो. मेरी आपसे दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है खामलावासियों से. और सभी अपना ध्यान रखें, सब अपने घर के अंदर रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें. मेरी गुड़िया भी अभी खामला में है, वो भी खामला में ही रह रही क्योंकि वो निगेटिव आई. ओके, धन्यवाद. ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टाइम्स टुडे 18 न्यूज़ और बेल आइकन को प्रेस करें.